सर कटा सकते हैं मगर माँ भारती की दामन पर कोई दाग नहीं लगने देंगे। कैसे विकास हो उस देश का जहां 1.5 लाख सैलरी हर महीना पाने वाले सांसदों की सैलरी इनकम टैक्स फ्री और 24 घंटे मौत की छांव में रहने वाले सिपाही को 20,000 सैलरी पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। सांसदों को परिवार के साथ रहते हुए भी हर साल 50,000 फोन कॉल फ्री, घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे सैनिक को एक कॉल भी फ्री नहीं। एक सांसद को फर्नीचर के लिए 75,000 रुपए, बॉर्डर पर सैनिक को ड्यूटी के दौरान बारिश से बचने के लिए टूटी हुई छप्पर, सांसद को हर साल 34 हवाई टिकट मुफ्त, सैनिक ड्यूटी जाते हुए भी अपने पैसे से टिकट लेता है, सांसद को वाहन के लिए 4 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन, एक सैनिक को घर के लिए लोन भी 12.55% दर से मिलता है। और ये सब वहाँ हो रहा है जहाँ पूरा देश इस सैनिक की वजह से अपने परिवार के साथ चैन से सोता है। एक बेटी ने अपनी माँ से पूछा, माँ रेडियो पे सुना इंडिया जीत गई, जो खेल रहे थे उन्हें 1 करोड़ रुपया मिला। माँ बोली, हाँ बेटी, सरकार कहती है वो देश के लिए खेल रहे थे इसलिए। बेटी माँ से बोली, आसमान में हेलीकॉप्टर से लटकते जवान को देख के माँ क्या इन्हें भी मिलेगा 1 करोड़। माँ बोली, ना बेटी ना, हमारे यहाँ बल्ले से खेलने वाले को इनाम मिलता है, जान से खेलने वाले को नहीं। उपरोक्त विचार अगर हृदय को स्पर्श करे तो निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर तो कर ही देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।